नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के बाद टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलेगी। इसके बाद कोहली एंड कंपनी न्यूजीलैंड जाएगी, जहाँ उसे 5 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेलनी है। इन तीनों सीरीज़ के लिए अगले 24 घंटे के अंदर BCCI टीम का ऐलान कर सकती है। दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इन तीनों सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप में बहुत कम समय बचा है। मुंबई मिरर में छपी खबर के अनुसार MS धोनी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में वापसी कर सकते हैं। वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई T20 सीरीज़ में भी उन्हें मौका नहीं मिला था। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला अक्टूबर में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ में खेला था। यह भी माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ के लिए सेलेक्टर्स टीम वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए चुनेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 टीम से बाहर किया गया तो लोगों को लगा कि इस पूर्व भारतीय कप्तान का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले 3 वनडे और की सीरीज़ में विकेटकीपर धोनी की वापसी लगभग तय है। इसके लिए भारतीय चयनकर्ता सोमवार को आपस में बातचीत करेंगे। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद मेलबर्न में हैं। वह कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। बाकी के चयनकर्ताओं में शरणदीप सिंह, देवा गांधी, गगन खोड़ा और जतिन परादप्पे से बातचीत करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें क्रिक आकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।